नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चंदन और आप देख रहे हैं एटीएन लाइव। अभी रमज़ान का महीना चल रहा है और दूसरी तरफ लॉकडाउन, और जिस तरह से सरकार ने छूट दे रखी है तो उसका कुछ गलत लोग भी फ़ायदा उठा रहे हैं। पूरे देश भर में कोरोना जैसी महामारी से इसका दंश लोग झेल रहे हैं और दिन प्रतिदिन अगर आंकड़े देखे जाएँ तो कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। हम अगर बिहार के सिवान ज़िले की बात कर लें तो यहाँ भी कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज एक बार फिर से आंदर में एक नए मरीज, जो कि 25 वर्षीय एक मरीज, नया पॉजिटिव मरीज मिला है। मार्केट में लोगों को छूट दे दी गई है, रमज़ान का महीना चल रहा है, दुकान शिफ्ट बाई शिफ्ट, डे बाई डे खुलवाई जा रही है। लेकिन कुछ दुकान ऐसे हैं जहाँ पर ग्राहकों की भीड़ लगनी शुरू हो जा रही है। दुकानदार लाख समझा रहे हैं लेकिन फिर भी ग्राहक मानने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में जिला प्रशासन उन दुकानदारों पर कार्रवाई करनी शुरू कर दे रही है। सवाल यह उठता है कि पूरे सिवान ज़िले की अगर हम बात करें तो चाहे रघुनाथपुर हो या फिर मैरवा हो या फिर बसंतपुर हो या फिर दरौंदा हो, अगर बिना काम के उधर से कोई व्यक्ति बाइक से आ रहा है तो इन लोगों को लोकल थाने को रोक लेना चाहिए। स्थिति यह हो रही है कि लोकल थाना नहीं रोक रहे हैं वहाँ पे किसी भी बाइक वाले को, जिसको लेकर के यहाँ पे टाउन में इसकी संख्या बढ़ जा रही है। और जब नगर में संख्या बढ़ रही है तो कुछ ऐसा भी देखा जा रहा है कि जो बाहर से कुछ लोग किसी ज़रूरी काम से या दवा लेने के लिए भी आ रहे हैं तो जाहिर तौर पर उनकी भी गाड़ी पकड़ी जा रही है। तो ऐसे में अब यह हो रहा है कि जो जरूरियात काम से निकले हैं वो भी परेशान, और जो मटरगश्ती करने निकले हैं उन्हें तो परेशान होना ही है। लेकिन ऐसे में प्रशासन भी समझ नहीं पा रही है कि आखिर कौन वाकई इमरजेंसी काम के लिए आया है, कौन मटरगश्ती कर रहा है। अगर लोकल थाना वहाँ पे रोक ले तो ये मामले जो हैं, जितनी भीड़ हो रही है भीड़ में कमी आ सकती है। रमज़ान की अगर हम बात करें, कपड़ों की दुकान अभी खोलने का आदेश नहीं दिया गया है, इसका इंतज़ार करना होगा, जिला प्रशासन के निर्देश का इंतज़ार करना होगा। कई जगहों पर ऐसा देखा जा रहा है कि कपड़ों की दुकानें लोग शटर अंदर से खोलकर और अंदर दुकान में प्रवेश कर जा रहे हैं, फिर आगे से शटर को बंद कर दे रहे हैं और बिक्री करना शुरू कर दे रहे हैं। ये कोई चालाकी और बहादुरी का काम आप नहीं कर रहे हैं। अगर जिला प्रशासन की नज़र पड़ी तो जाहिर तौर पर ऐसा हो सकता है कि आप 1000-2000 का आप कपड़ा बेचे भी नहीं होंगे, लेकिन आप पे कानूनी कार्रवाई हो सकती है और आप पर FIR हो सकता है और आप पे जुर्माना भी लगाया जा सकता है। यह जुर्माना ऐसा हो सकता है कि 5000 से लेकर के 50000 रुपये तक हो सकता है, और बिक्री क्या करेंगे 1000 रुपये, तो कहीं ना कहीं लॉस तो व्यवसायी को है। तो हम व्यवसायियों से आग्रह करेंगे कि जो दुकानों को खोलने का निर्देश हो जिला प्रशासन के द्वारा उसे ही खोलें, न कि लुका छिपी का खेल करें, जिला प्रशासन के आदेशों की, राज्य सरकार के आदेशों की अवहेलना न करें, उसका बखूबी अच्छे तरीके से पालन करें और इसका बेनिफिट आप ही को मिलेगा। आने वाले समय में राज्य सरकार जिस तरह से कई दुकानों को खोलने का आदेश जारी की है, उसको आपकी भी दुकानें खुलेंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं खुलेंगी। कपड़े की भी दुकानें खुलेंगी, कॉस्मेटिक की भी दुकानें खुलेंगी, जिन दुकानों के आदेश अब तक जारी नहीं हुए खोलने के लिए वो सभी दुकानें खुलेंगी। लेकिन थोड़ा सा इस पे जिला प्रशासन के और राज्य सरकार के निर्देशों का इंतजार करना होगा। ये हमारे और आपके लिए किया जा रहा है, क्योंकि कपड़े की दुकान खुलेंगी तो जाहिर तौर पर 2-4 लोग पहुँचेंगे डिजाइन पसंद करने, कई तरह के फैशनेबल लोग होते हैं, तो इसी के मद्देनज़र इस तरह का भी निर्देश जारी नहीं किया गया है। और अगर खुलवाई जाएंगी तो भीड़ इकट्ठी होनी शुरू हो जाएंगी। कई दुकानों पर देखा जा रहा है कि लोग बैठा ले रहे हैं लोगों को, कुछ अपने नज़दीकी लोगों को, और मटरगश्ती करना शुरू कर दे रहे हैं। ऐसे में भी जिला प्रशासन कुछ दुकानों को चिन्हित करने के लिए एक टीम बना चुकी है। तो हम यह व्यवसायियों से कहेंगे कि आप इसका ख्याल रखें, थोड़ा सा आप इंतज़ार करें। रह गई बात ईद की, तो ईद है, ईद एक बड़ा त्यौहार है, लेकिन हमको कोरोना जैसी महामारी से भी अपने आप को बचना है और पूरे परिवार को बचाना है। तो जब बचना है और बचाना है तो इसके लिए तो थोड़ा सा
जंग लड़ना होगा कोरोना जैसी महामारी को लेकर के। तो अगर हम और आप जंग नहीं लड़ेंगे तो कौन लड़ेगा। हम अपने आप को स्वयं स्वस्थ रखें और इस तरह की कोरोना जैसी महामारी को भगाएं, इसके लिए सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखना होगा, जिला प्रशासन के नियमों को माननी होगा, न कि उसकी अवहेलना करनी होगी, नियमों को तोड़ना होगा, ऐसा हरगिज नहीं। तो ये तमाम तरह की ऐसी कुछ बिंदु है जिस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। दुकानदार दुकान खोले, सैनिटाइजर रखे, दुकान में कोई प्रवेश कर रहा है पहले उसके हाथों को सैनिटाइज कराएं, मास्क रखें, अगर कोई ग्राहक आ रहा है मास्क नहीं है तो उसको अपने तरफ से एक मास्क दें। तो इस तरह की तमाम तरह की जो चीज़ें हैं इस पर ध्यान रखना होगा। भीड़ ना लगाएं, एक एक ग्राहक को किसी तरह से वो एंट्री करके और उसको ये करें। तो ये देखा जा रहा है कई जगहों पे कि दुकान, खास करके कपड़े की दुकानों की ज़्यादा शिकायत आ रही है। अब कल देखा गया हसनपुरा में प्रिंस मार्ट करके एक आपको वहाँ पे कपड़े का शोरूम है, वहाँ पे सीओ ने छापेमारी कर दी, छापेमारी की वहाँ पत्रकार पहुँचे। जाहिर सी बात है जब छापेमारी होगी तो पत्रकार पहुँचेंगे ही, क्योंकि वो अखबारों को या फिर चैनलों को खबर भेजना होता है, तो वहाँ पे पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार कर दिया गया। ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। आप अगर गलती करेंगे तो जाहिर सी बात है कि आप पे कानूनी कार्रवाई होगी। तो आप गलती ना करें। व्यवसायियों से हमारा अनुरोध है कि जो दुकान खोलने का आदेश है वही दुकान खुलें। जिला प्रशासन ने जो निर्देश दिया है उसका बखूबी अच्छे तरीके से पालन करें, और सिवान की जिला प्रशासन का सहयोग करना आपका कर्तव्य भी बनता है, क्योंकि हमारे और आपके लिए जिला प्रशासन दिन रात एक की हुई है। सड़कों पे अपने परिवार वालों को छोड़कर अपनी जान को जोखिम में डाल करके, और ये लोग कोरोना जैसी महामारी से कोरोना वॉरियर्स की तरह लड़ने के लिए तैयार हैं, तो हम क्यों नहीं इनको मदद कर रहे हैं। हम लोग इनको मदद करें, बिल्कुल इसका पालन करें, नियमों का पालन करें, और तब जा करके इस तरह का जो यह एक महामारी जो फैली है कोरोना, इसको हम लोग भगाने का काम करें। ATN लाइव के लिए आशीष के साथ चंदन कुमार सिवानी।